हेलो डियर स्टूडेंट्स तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के यूनिट फाइव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लियर है बेटा यहाँ पर हम एक डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम केवल डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं अपना व्हाट आर द इलेक्ट्रो वेव्स एंड वट आर देयर करेक्टरिस्टिक्स क्लियर है तो हम इलेक्ट्रो वेव्स को समझेंगे इस वीडियो में और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ समझने वाले हैं तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले है बेटा अपना व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो देखिए बेटा इसको कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रो कंपोज्ड ऑफ ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट दीज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्लियर है बेटा यानी कि इसका क्या मतलब हुआ आप देखिए वो जरा समझने की कोशिश करते हैं एक ऐसी वेव जिसके अंदर जो किससे बनी हुई है ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्लियर लेकिन एक प्रॉपर्टी है यहां पर उसकी और वो क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हैं ये दोनों ही एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी होते हैं एक मतलब परपेंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और साथ में ये दोनों परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव क्लियर है बेटा समझ में आया तो चलिए एक बार जरा इसकी रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं हम किस तरह से इस वेव को आखिर रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओसिलेटिंग

टी यहां पर देखिए e नोट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है बेटा तो यहां पर ये जो k है दिस इज नोन एज द प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट एंड इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा क्लियर तो चलिए बाकी करेक्टरिस्टिक्स तो हम वेव की आगे समझेंगे लेकिन फिलहाल यहां पर वेव की रिप्रेजेंटेशन समझते हैं पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओसिलेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ओसिलेटिंग किस में रही है की तरफ तो देखिए आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो किस तरह से हमारी वेव ओसिलेट करती है तो क्लियर है बेटा आपने कुछ माइंड में इमेज सेट हुई यहां पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओसिलेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ओसिलेट कर रहा है लेकिन ये दोनों के आगे चलने की डायरेक्शन क्या है जेड डायरेक्शन में है क्लियर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पर है यहाँ पर परपेंडिकुलर यहां और ये चल किस डायरेक्शन में रहे हैं जेड डायरेक्शन में चल रहे हैं मतलब वो डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर है ये तो बात समझ में आई है बेटा ये पॉइंट आपको क्लियर है यहां पर तो चलिए अब देखते हैं आपको ये डायग्राम आखिर बनाना कैसे है तो क्लियर है समझ में आया बेटा आप इसको नोट कर सकते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इसकी रिप्रेजेंटेशन जो कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो क्लियर है बेटा आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है किस तरह से आपको दिख मतलब किस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्लियर तो अब हम समझते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सोर्स हो सकता है वो हम समझेंगे यहां पर तो चलिए करते हैं स्टार्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो देखिए बेटा एन एक्सलरेटिंग और द ओसिलेटिंग चार्ज इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब एक चार्ज जो एक्सलरेट कर रहा है या यूं कहें ओसिलेट कर रहा है उसी से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं मतलब जब भी एक चार्ज एक्सलेट करता है या चार्ज करता है तो उससे ऑटोमैटिकली एक रेडिएशन निकलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और यहां पर एक पॉइंट नोट uh, करने का है बेटा द फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज जिस फ्रिक्वेंसी के साथ चार्ज ओसिलेट करेगा बिल्कुल उसी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से जनरेट भी होगी क्लियर है बेटा समझ में आया तो आइए चलिए अब समझते हैं हाउ दिस ओसिलेटिंग चार्ज इज एबल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चार्ज ओसिलेट कर रहा है या यू कहें एक्सलरेट कर रहा है इससे क्यों आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है कैसे जनरेट होती है वो समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए बेटा द ओसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक चार्ज ओसिलेट करता है तो ऑफ कोर्स चार्ज के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओसिलेट करेगा राइट एंड एन ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड और जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट करता है तो ये अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर देता है क्लियर विच इज देन प्रोड्यूसिस एन ओसिलेटिंग ई एम एफ अब देखिए जैसे जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ओसिलेशन आ रही थी उसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इट प्रोड्यूस इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये फर्दर क्या करेगा ओसिलेटिंग ई एम एफ इंड्यूस कर देगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होते हैं तो ई एम एफ इंड्यूस होती है क्लियर और ये जो ओसिलेटिंग ई है ये फर्दर ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी देखिए अगेन ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करें जब इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट करता है उससे अगेन क्या इंड्यूस होता है इट प्रोड्यूस ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन तो बार बार क्या हो रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस में चेंजेस आ रहे हैं उससे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है बार -बार। तो बार बार क्या हो रहा है आ, यहां पर दिस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट इच अदर ये एक दूसरे को ही जनरेट किए जा रहे हैं ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट हो रहा है ओसिलेटिंग और ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड रीजनरेट हो रहा है बार बार क्लियर है देयरफॉर द वेव प्रोपेगेट थ्रू द स्पेस स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करती है प्रोपेगेट करती है एंड इन दिस वे द ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इस तरह से हमारे पास ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है बाय द ऑसिलेटिंग चार्ज तो क्लियर है बेटा आई होप कि आपको देखिए यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से कोसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आइए बेटा अब हम समझते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूं कहें सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लियर है बेटा तो चलिए करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्जेस एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बेटा ये कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इनको एक्सलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन क्लियर है समझ में आया अच्छा तो नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज टिक फील्ड of of की है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी है और साथ में प्रपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव देर फोर वी कैन सेलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवस आर ट्रांसवर्स इन नेचर जो इनका नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो कैसा होता है बेटा ट्रांसवर्स क्लियर ट्रांसवर्स वेव क्या होता है जिसमें ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर हैं और साथ में डायरेक्शन है ओसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेस इनका जो फेस इनमें कोई भी फेस डिफरेंस नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लियर अच्छा जो थर्ड पॉइंट है अपना वो है ऑल द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस ट्रेवल इन द फ्री स्पेस विद द सेम स्पीड फ्री स्पेस के अंदर सभी की सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो हमेशा सेम स्पीड के साथ ट्रेवल करती है और वो स्पीड कितनी है बेटा इन द फ्री स्पेस इट्स स्पीड इज सी इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एपसाइलन नॉट दैट इज इक्वल्स टू

यह ऐसे हम निकालते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द फ्री स्पेस और ये किसके इक्वल आती है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली तो ये, जो कि किस क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हम यूं कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट अगर फ्री स्पेस ना होकर के कोई मटेरियल मीडियम हमें गिवन है देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड वी इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट म्यू एफलन क्लियर एंड दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एपसाइलन आर तो यानी देखिए बेटा यहाँ पर क्या है म्यू और एपसाइलन क्या है एपसाइलन तो है परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम और म्यू है परमेबिलिटी ऑफ द गिवन मीडियम क्लियर और अगर आप इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं और फॉर्मूला तो क्या बनेगा C अपोन अंडर रूट म्यू आर एपसाइल आर म्यू आर और एपसाइल आर क्या है रिलेटिव रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिविटी ऑफ द मीडियम और C है स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम क्लियर तो ये समझ में आ चुका है बेटा आपको फोर प्रॉपर्टीज हो चुकी है हमारे पास अब फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो लेते हैं हम तो दैट इज इक्वल्स टू द सी मीन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके बराबर आता है तो ई नोट अपॉन बी नोट दैट इज इक्वल्स टू सी ठीक है और जिसकी वैल्यू कितनी थी थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड अच्छा सिक्स प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू द स्पेस जब ये स्पेस में से ट्रैवल करते हैं तो इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी कैरी होती है ये एनर्जी रखते हैं अपने साथ एंड दिस एनर्जी इज शेयर्ड इक्वली बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये एनर्जी कहां से आती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्लियर है तो देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का फॉर्मूला होता है वन बाय टू एफलन ई नोट स्क्वेयर और जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वन बाय टू बी नोट स्क्वेयर अपॉन म्यू नोट तो अगर हम इन दोनों ही एनर्जी को जोड़ दें इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी तो हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर फॉर्मूला क्लियर है बेटा समझ में आया अच्छा यहां पर आपने एक बात ध्यान रखनी है जो भी मैं पॉइंट्स आपको लिखवा करवा रहा हूँ वो टाइम टाइम पे वीडियो को रोक रोक करके आप अपने आप नोट करते जाइए क्लियर है अच्छा तो अब नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज द ट्रैवल थ्रू द स्पेस जब ये स्पेस में से ट्रैवल करते हैं तो ये अपने साथ एक लीनियर मोमेंटम को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और जिसका फॉर्मूला है पी इक्वल्स टू यू अपॉन सी सी स्पीड ऑफ द लाइट क्लियर है अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा कि जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक हैं दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती क्लियर और नाइन्थ प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ये प्रिंसिपल को ओबे करती हैं दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस डाइफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन मतलब ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी प्रॉपर्टी शो करती हैं जैसे रिफ्लेक्शन हो गया आपने पढ़ा है ना लाइट का रिफ्लेक्ट होती है लाइट का रिफ्रैक्शन भी, 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 भी होता है लाइट का इंटरफेरेंस भी है लाइट का डाइफ्रेक्शन भी होता है लाइट का पोलराइजेशन भी होता है ठीक है और जो हमारी लाइट है वो कैसी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट क्लियर है बेटा अच्छा तो एक प्रॉपर्टी और समझ लेते हैं इसके हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट्स यहां पर जो लाइट के अंदर ऑप्टिकल सॉरी जो हमारे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसके अंदर जो ऑप्टिकल इफेक्ट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होते हैं यह बात आपने ध्यान रखनी है क्लियर है बेटा समझ में आया तो चलिए आप इसको जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए क्लियर है बेटा नोट कर लिया होगा आपने तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी को डिफाइन करना है और इसका एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव क्लियर है बेटा इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होती है दोबारा देखिए एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया जो एनर्जी क्रॉस कर रही है हर यूनिट एरिया को पर यूनिट टाइम के अंदर इन ए डायरेक्शन पर पेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं क्लियर है ठीक है नोट कर लिया बेटा अब आगे इसका हम एक्सप्रेशन समझते हैं कि कैसे इसको एक्सप्रेशन हम निकालेंगे तो देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए सपोज कीजिए अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है विद अ स्पीड सी क्लियर कंस नाउ अ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ सी इनटू डेल्टा टी अब एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमने कंसीडर किया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और लेंथ उसकी कितनी है सी इंटू डेल्टा टी अब सी क्या है स्पीड ऑफ द लाइट डेल्टा टी टाइम ऑफ़ कोर्स देखिए डेल्टा टी टाइम के अंदर टाइम डेल्टा टी में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम तो स्पीड यानी सी टाइम यानी डेल्टा टी तो इसीलिए हमने सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी रखी है सी डेल्टा टी क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है स्पीड टाइम और वही डिस्टेंस इस सिलेंडर की लेंथ होगा बात समझ में आ गया है? और जितने एरिया में को कवर करते हुए वेव अपनी ट्रेवल कर रही है वो एरिया कितना है ए तो यहां पर एक सिलेंड्रिकल शेप बन रही है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो क्लियर तो यहां पर बेटा अब जो यहां हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे जो एनर्जी कंटेंड होगी इस सिलेंडर के अंदर वो क्या होगी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्योंकि एनर्जी डेंसिटी क्या होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो वहां से एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्लियर अच्छा अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बेटा एनर्जी डेंसिटी यू एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल एनर्जी को कैपिटल यू से ठीक है जो टोटल एनर्जी है उसको हमने यू से डिनोट किया कैपिटल और जो एनर्जी डेंसिटी है उसको स्मॉल यू से एनर्जी डेंसिटी की जगह यू इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ कितनी है C into delta T. Clear है डेल्टा क्लियर तो ये आ गया आपके पास वॉल्यूम अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया यू सी डेल्टा टी इंटू ए अच्छा अब देखिए बेटा आगे इंटेंसिटी ऑफ वेव का क्या फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम क्लियर है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम यही होती है ना इंटेंसिटी अब देखिए एनर्जी यू एरिया ए टाइम डेल्टा टी अब जो ऊपर हमने इक्वेशन निकाली थी फर्स्ट इक्वेशन वहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए U अपॉन A इंटू डेल्टा T की ठीक है तो वो वैल्यू कितनी आएगी एनर्जी डेंसिटी U इंटू सी के बराबर तो हमने ये वैल्यू पुट करी तो अपने पास आई की वैल्यू आ गई यू इंटू सी u यू इंटू सी u यू क्या है एनर्जी डेंसिटी तो अब देखिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप यहां पुट कीजिए वन बाय टू एफ साइलन ई नोट स्क्र इंटू सी क्लियर ये आ गई हमारे पास इंटेंसिटी और ये किसके इक्वल है अब देखिए ये ई नोट यहाँ पर ई आर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आर एम एस वैल्यू पुट कीजिए दैट इज ई नोट बाय रूट टू ई नोट बाय रूट टू जब ये वैल्यू आप पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा इंटेंसिटी आई आए बराबर ई नोट ई आर एम एस इंटू सी जैसे हम इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो ले बेटा तो ये था आपका एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अच्छा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके मोमेंटम के लिए आपने एक्सप्रेशन लिखना है देखिए एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसपोर्ट्स द लीनियर मोमेंटम एज इट ट्रेवल थ्रू द स्पेस इफ़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर्स अ टोटल एनर्जी यू टू द इंटरफेस इन टाइम टी देन द टोटल लीनियर मोमेंटम डिलीवर टू द सरफेस इज पी इक्वल्स टू यू अपॉन सी और यहाँ पर ये यू कैपिटल आएगा यानी कि टोटल एनर्जी क्लियर है और स्मॉल यू नहीं है क्योंकि स्मॉल यू होते हैं एनर्जी डेंसिटी यहाँ पर हमने कैपिटल यू लिया यानी टोटल एनर्जी इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड यहाँ पर देखिए बेटा ये U को हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एब्जॉर्ब जो एनर्जी है अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई है इफ़ द एनर्जी इज कंप्लीटली एब्जॉर्बड और वो एनर्जी कितनी है U तब मोमेंटम का फॉर्मूला U अपॉन C तो इफ द वेव इज टोटली रिफ्लेक्टेड देन द मोमेंटम डिलीवर्ड विल बी द मोमेंटम डिलीवर्ड डबल हो जाएगा टू यू अपॉन सी अगर वेव पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाए तब जो मोमेंटम डिलीवर हुआ है उसका फॉर्मूला क्या है टू यू अपन सी बिकॉज द मोमेंटम ऑफ द वेव विल चेंज फ्रॉम पी टू माइनस पी पहले मोमेंटम पी था अब हो गया देखिए वेव आई तो मोमेंटम पी अब वेव रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई उसी डायरेक्शन में तो उल्ट अपोजिट डायरेक्शन में गई है ना अब तो माइनस पी हो गया अब तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा p में से माइनस पी को सब करो तो आपके पास टू पी आएगा ठीक है यानी कि टू टाइम्स हो गया पहले से टू यू अपॉन सी तो ठीक है बेटा ये हो गया आपका मोमेंटम अब एक नेक्स्ट और है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर एक्जर्टेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा एक्जर्ट किए गए प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखिए देखिए वेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल्स ऑन अ सरफेस इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द सरफेस जब भी ये किसी सरफेस पे पोल करती है ये एक प्रेशर एग्जर्ट करती है क्लियर दिस प्रेशर इज कॉल्ड द रेडिएशन प्रेशर क्लियर है आपको पता है वेन एवर द लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल ऑन अ सरफेस इट कैरी सम मोमेंटम क्लियर है इसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है ठीक है इट एग्जर्ट्स द प्रेशर ऑल्सो द रेडिएशन प्रेशर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी आई इज गिवन बाय पी आर इक्वल्स टू आई अपॉन सी आई फॉर इंटेंसिटी सी फॉर द स्पीड तो क्लियर है बेटा आज के इस वीडियो में हमने समझा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में और इनकी करेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में क्लियर तो चलिए अगर आप इनको चाहें तो वीडियो को पोज करके नोट डाउन कर सकते हैं और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे बेटा कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ यूजेस के बारे में कि कैसे क्या इनके यूज हैं क्या इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज है क्या इनकी वेवलेंथ है कैसे इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे इनको डिटेक्ट कर सकते हैं क्लियर है बेटा समझ में आई है बात तो चलिए आप आज के वीडियो में केवल इतना ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव नाइस डे